हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, 19 अगस्त 2022 को जन्माष्टमी का त्यौहार है, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन पूरे विश्व में मनाया जाता है और ख़ास तौर पर भारत में वृंदावन में, मथुरा में और भारत के सभी राज्यों में जन्माष्टमी की धूम दिखाई देती है। तो त्यौहारों पर भगवान जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। अक्सर यह सवाल उठता है कि भगवान जी को 56 व्यंजनों का भोग ही क्यों लगाना चाहिए, 55 या 57 चीज़ों का भोग क्यों नहीं लगाया जाता। तो 56 व्यंजनों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, आइए जानते हैं आखिर भगवान जी को 56 भोग ही क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे की दो सुंदर कहानियाँ। 56 भोग की पहली कहानी इस प्रकार है मित्रों, इंद्र के प्रकोप से ब्रिजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तब उन्हें लगातार 7 दिन भूखे प्यासे रहना पड़ा। इसके बाद उन्हें 7 दिनों तक 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन सभी ब्रिजवासियों ने मिलकर खिलाए थे। माना जाता है तभी से 56 भोग की परंपरा की शुरुआत हुई। 56 भोग की दूसरी कहानी भी इस प्रकार है, गोलोक में श्री कृष्ण और राधा जी एक दिव्य कमल पर विराजमान थे। उस कमल की 3 परतों में 56 पंखुड़ियाँ थी। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और बीच में भगवान जी विराजमान थे, इसीलिए सभी सखियों ने मिलकर भगवान जी को 56 भोग लगाए। तभी से 56 भोग की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है 56 भोग में कड़वा, तीखा, कसैला, अमल, नमकीन, मीठा व 6 रस या स्वाद होते हैं। इन 6 रसों के मेल से ही 56 प्रकार के भोजन या व्यंजन बनाए जाते हैं, इसीलिए 56 भोग भगवान जी को अत्यंत प्रिय हैं। तो अब हम बताते हैं 56 भोग में आप किन व्यंजनों को शामिल कर सकते हैं, 56 भोग के व्यंजनों के नाम। सबसे पहले आप भात ले लीजिए, दूसरा दाल, तीसरी चटनी, चौथा कढ़ी, पांचवा दही शाक की कढ़ी, छठा सिखरन, सातवां शरबत, आठवां बाटी, नौवां मुरब्बा, 10वां शक्कर युक्त कोई भी पदार्थ, 11वां बड़ा, 12वां मठरी, 13वां फैनी, 14वां में पूरी, 15वां खजला, 16वां घेवर, 17वां मालपुआ, 18वां चोला, 19वां जलेबी, 20वां मेसू, 21वें रसगुल्ला ले लीजिए, 22वें पकी हुई कोई भी साग या चंद्रकला, 23वां दही, 24 धुली, 25वां लौंग पूरी, 26 खूरमा, 27 दलिया, 28 कोई भी नमकीन, 29 सौंप युक्त कोई भी चीज़, 30वां बिलसारू यानी दही रूप में आप लस्सी ले सकते हैं या दही, मीठी दही, 31वां लड्डू, 32वें साग, 33वां अचार, 34 मोठ, 35वें खीर, 36 में प्लेन दही नमक वाली, 37 गो घी गाय का घी, 38 मक्खन, 29 मलाई, 40वां माखन मिश्री, 41 पापड़, 42 शीरा, 43 लस्सी, 44 सूवत, 45 मोहन साग, 46 सुपारी, 47 इलायची, 48 फल, 49 तांबुल, 50 मोहन भोग, 51 लवण, 52 किशमिश, 53 शहद, 54 काजू बादाम, 55 कुट्टू, 56 अमल। इस तरह से 56 भोग आप भगवान जी के भोग में शामिल कर सकते हैं मित्रों। यदि आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय लड्डू गोपाल अवश्य लिखें।